मुझे दिल्ली से एक सूचना प्राप्त हुई, उसके अनुसार ये पता चला कि कल देर रात को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, इन तीन लोगों की बैठक हुई, एक समीक्षा बैठक, जिसमें और जगहों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके अलावा विशेष तौर पर यहाँ बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई। और मेरी सूचना के अनुसार, चूंकि ये इंटरनल मीटिंग थी, इसमें फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुआ, तो ये ट्रॉयका जो है बीजेपी का, वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जो दो फेजेस के चुनाव हुए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक होने वाला है, और बाकी के जो छः फेजेस हैं बचे हुए उसमें वो उनका परफॉर्मेंस वो जानते हैं कि और भी निराशाजनक होगा। अगर कुछ उम्मीद उनको थी तो फर्स्ट टू फेजेस थी। तो इस मीटिंग में ये तय किया गया कि आने वाले दिनों में जो वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पर, उस माइंड गेम को और भी मजबूत बनाया जाए, और जितना झूठ बोल सकते हैं झूठ की मात्रा को बढ़ाया जाए। और उसी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि तीन चार दिनों से जो एक अफवाह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उड़ाया जा रहा था कि ममता बनर्जी कहीं अन्यत्र से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा था, तो उसी के अंतर्गत तो जो कल रात को मीटिंग हुई जिसमें जो फैसला हुआ, उसके अंतर्गत पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने एक बार न केवल इस झूठ को दोहराया, सारे कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद कि ममता जी दोबारा चुनाव लड़ेंगे, बल्कि झूठ में एक और नया मोड़ ये दिया कि उनको ममता जी के निकट सोर्सेस से पता चला है कि वो अन्यत्र किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव का नामांकन दाखिल कर सकती है। हम लोग भी तैयार हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से झूठ बोलने की ये जो प्रक्रिया है उसको और बढ़ाया जाएगा और तीखा किया जाएगा, माइंड गेम्स को, जनता को मिसलीड करने के लिए तरह तरह के मिथ्या अफवाह फैलाए जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो विशेष रूप से सावधान रहें इसके लिए।